हेलो एवरीवन, आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, सरकारी बैंक है और काफी बड़ा एक बैंक हमें जिसको कह सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों से एक रैली हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब शेयर इतना सस्ता अवेलेबल है, हालांकि थोड़ी बहुत तेजी जरूर आई है, तो क्या खरीदारी करना यहाँ पर सही डिसीजन रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का जो शेयर है वो 33 रुपए 75 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 15% का बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि शेयर 30 रुपए के आसपास था, गिरावट आई, 26 रुपए तक शेयर चला गया, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी रैली आई है। और वो रैली की वजह भी है कि इंडिया धीरे धीरे खुल रहा है, अनलॉक की सिचुएशन में हम लोग आ रहे हैं, वापस से लोग कामकाज पे जाना शुरू कर रहे हैं, और इसी के चलते एक बड़ी रैली हमें पूरे मार्केट में देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक है उसमें बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है। HDFC बैंक भी 1,000 रुपए से ऊपर चला गया है। ICICI बैंक में भी बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। मतलब तकरीबन सारी बैंकों में एक बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर उन सारी बैंक की तेजी से अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की तेजी को कंपेयर करेंगे तो उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है जितनी बाकी बैंक में देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में पंजाब नेशनल बैंक में 58-59% की भयंकर गिरावट है। 82 रुपीज से गिरता हुआ शेयर नीचे आया है। 3 साल की भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल में पंजाब नेशनल बैंक में 77% तक की गिरावट है। 213 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया है। 10 साल की बात करें तो 10 साल में पंजाब नेशनल बैंक की हालत है वो कुछ इस तरीके से है कि 83% की गिरावट है, 275 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड किया था। देखिए, इससे पहले भी गिरावट आई है लेकिन शेयर ने हमेशा बाउंस बैक किया है, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। हालत इनकी 2017 से खराब हो गई थी। 2017 से इनकी हालत खराब हो गई जब वो नीरव मोदी वाला केस निकल कर आया था, और उसके बाद बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी हद तक गिर गई। लोगों का जो भरोसा है वो उठ गया इस बैंक से, क्योंकि इस बैंक ने इतना बड़ा पैसा बांट दिया बाकी उन लोगों को जो लोग देश छोड़ के भाग गए, उन लोगों को इतना बड़ा पैसा बांटा और इतना बड़ा स्कैम इनके नाक के नीचे से हो गया और इनको पता तक नहीं चला। और जो पैसा गया वो तो पब्लिक का ही पैसा था, क्योंकि बैंक चलती किन किन के पैसों से, लोगों के पैसों से ही बैंक चलती है, उन्हीं से बैंक का कामकाज होता है। लेकिन पब्लिक का ही पैसा यहाँ पर गया तो लोगों का भरोसा भी उठता चला गया, शेयर में गिरावट आती चली गई। आज अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे आप लोगों में से जो ये कहेंगे कि मैं पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने जाऊंगा, ठीक है? तो बहुत कम लोग होंगे या फिर बहुत ही छोटा मार्जिन यहाँ पर हो गया है। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक है ये, 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। NSE में देखें तो तकरीबन तकरीबन 9.5 करोड़ जितना वॉल्यूम ट्रेड है, काफी ज्यादा इनके वॉल्यूम भी ट्रेड हो रहा है, लोग काफी ज्यादा यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, 83.19% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। FIS, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी सब ने होल्डिंग यहाँ पर गिराई है। FIS के पास 2.18% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.26% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.47% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 6.80% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर के द्वारा अगर हम देखें तो प्रमोटर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाईएस्ट प्रमोटर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों की मिलाकर 83.19% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। और तो और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है, और FIIs की बात करें तो 114 FIIs ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया हुआ है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर LIC है जिनके पास 5.01% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.67% की यहाँ पर है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करता था, लेकिन 2015 में आखिरी बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था 165% का, मतलब पर शेयर 3 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड 2015 में पे किया था। उसके बाद इन्होंने कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रीडिंग अभी उनके काफी अच्छी दिखाई दे रही है। रीजन सिर्फ इतना है कि अभी क्या हो रहा है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी थी, और दूसरी बात कि अभी जो चर्चा चल रही है बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म को लेकर, तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हालांकि
हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी और कई सारी जो गवर्नमेंटल जो बॉडीज है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि भैया सरकार सोच रही है कि बैंकों को रिफॉर्म किया जा सके, खास करके जब ये लोकल टू वोकल वाला जो चला है मामला, उसके बाद सरकार जो अपने ही देश के जो उद्योग है उसको काफी ज्यादा प्रेफरेंस देने की बातचीत भी हो रही है। और तो और एक और चीज है, बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म की जरूरत है, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा कामकाज चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। 91% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 0% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाएंगे सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट की, अगर हम बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 500 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 500 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 4750 करोड़ का लॉस था। तो कुछ खास नतीजे अच्छे इनके नहीं है और मार्च के अभी तक नतीजे आए नहीं है और कब आएंगे उनके बारे में अभी तक कोई डेटा सामने नहीं आया है। अगर मैं आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, 75.41% की जो होल्डिंग थी वो 83.19% की पहुंच चुकी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। FIIs ने यहाँ पर अपने शेयर बेचे हैं बहुत बड़ी क्वांटिटीज में, 3.45% की होल्डिंग 2.18% तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने भी बहुत बड़े शेयर्स बेचे हैं, 8.07% की होल्डिंग 5.47% तक पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड के पास भी जो पहले 4% की होल्डिंग हुआ करती थी आज वो 2.26% की देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक जरूर एक अच्छा बैंक हो सकता है, हालांकि उतना है नहीं, ये बैंक भरोसे लायक बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी की है, आप लॉस में हो तो आप बने रह सकते हो, क्योंकि तेजी यहां पर जरूर आएगी और आपको आते हुए दिखेगी भी सही, लेकिन मैं फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा। रीजन सिर्फ इतना है कि अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी ही है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करिए, SBI में करिए, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, उसमें आप अपना पैसा लगाएं, ना कि पंजाब नेशनल बैंक। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना रिटर्न आपको पंजाब नेशनल बैंक में मिलेगा उससे कई ज्यादा बढ़िया और अच्छा रिटर्न आपको SBI और ICICI में मिल जाएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक एक तो भाई रिस्की है, काफी रिस्की है ये, और दूसरी तरफ बाकी जो बैंक है वो रिस्की भी नहीं है और अच्छा रिटर्न देने का भी दमखम रखते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से शेयर टूट जाएगा, जी नहीं, यहाँ से शेयर जरूर 35 रुपए तक जाने का दमखम जरूर रखता है यहाँ से शॉर्ट टर्म में, लेकिन एक भरोसेमंद बैंक आप इसको नहीं कह सकते हो, सरकार की पॉलिसीज के ऊपर चलती है। कल को कोई अनाउंसमेंट हो गई तो थोड़ा बहुत चल गया, अगर नहीं हुई तो वापस नीचे टूट के बिखर गया ये, तो उस तरीके का ये शेयर है। शॉर्ट टर्म में किस कैसा परफॉर्म करेगा ये कहना मुश्किल है, तो मैं यही कहूंगा कि जरूर शेयर में थोड़ी सी रैली तो आज आ ही जाएगी और वो सभी बैंकों में देखने को मिल जाएगी। तो पंजाब नेशनल बैंक में खरीदा है तो बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग की मैं सलाह इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इससे अच्छा रिटर्न आपको बाकी बैंकों में मिलेगा और ये एक भरोसा भी रहेगा कि भैया आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा, ओवरऑल यहाँ पर शेयर में तेजी तो जरूर देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।